सलमान खान के आगे आमिर खान ने फैलाए हाथ। कैसे सलमान को दी गई चीजों के भरोसे हैं आमिर खान, इस वीडियो में आपको बताएंगे ऐसी ही डिटेल। आमिर खान बहुत बड़े पलटीबाज हो गए हैं। वो कभी सलमान की निगेटिव इमेज सामने लाकर बुराई करते हैं, तो कभी खुद का करियर चमकाने के लिए उनकी शरण में चले जाते हैं। इस बार भी आमिर खान ने ऐसा ही तरीका अपनाया है। आमिर खान सलमान के साथ फिल्म करना चाहते हैं और इसके लिए उन्होंने अप्रोच भी करनी शुरू कर दी है। आमिर अपने इस प्लान में शाहरुख खान को भी जोड़ना चाहते हैं। उन्हें लगता है कि अगर ये काम कर गया तो उनकी गाड़ी चल पड़ेगी। आमिर खान ने कपिल शर्मा के शो में कहा, मैं सलमान को भी मिला, शाहरुख से भी मिला, हम लोग तीनों साथ में थे। मैंने कहा कि हम तीनों इतने सालों से एक इंडस्ट्री में हैं, ये ऑडियंस के लिए बड़ा गलत हो जाएगा कि हम लोग अपने करियर के इस दौरान हम एक फिल्म अगर साथ में नहीं करें, एक तो बनती है। मैंने सलमान से बात की और शाहरुख से बात की तो कहा कि करते हैं। तीनों खान अब तक किसी मूवी में नहीं आए, ये फैक्ट है। मगर ये भी सच है कि सलमान खान का जलवा दिख रहा है। शाहरुख खान भी 2-5 करोड़ मूवी के जरिए खुद को साबित कर चुके हैं। अब केवल आमिर खान को वापसी की उम्मीद है और इसके लिए वो सलमान खान और शाहरुख खान का साथ चाहते हैं। ये सब जानते हैं कि आमिर खान लाल सिंह चड्ढा के बाद बड़े पर्दे पर नहीं आए। ऐसे में वो बार बार सलमान का नाम ले रहे हैं। आमिर मान चुके हैं कि सलमान का सितारा बुलंद है और उनकी फैन फॉलोइंग भी बहुत ज्यादा है, इसलिए ये ट्रिक उनके सपोर्ट में आ सकती है। सलमान खान का दिल समंदर है। वो गिफ्ट देने के लिए फेमस हैं और सलमान के दिए गए ऐसे ही गिफ्ट के सहारे आमिर खान भी खुद को हाईलाइट करना चाहते हैं। यकीन करना मुश्किल है, लेकिन आमिर खान सलमान की दी गई जींस पहनते हैं, सलमान की दी गई तोहफे में टी शर्ट आमिर खान पहनते हैं और ये बात वो पब्लिक प्लेटफॉर्म पर एक्सेप्ट भी करते हैं। आमिर खान ने खुलासा किया है कि सलमान के बींग ह्यूमन के जींस और टी शर्ट का उनके पास अच्छा खासा कलेक्शन है और सलमान खान जब भी उन्हें मिलते हैं तो गिफ्ट लेकर आते हैं। वैसे सलमान का तोहफा देना बड़ी बात नहीं है, इसमें चौंकाने वाली बात यह है कि आमिर खान का उन्हें पहनकर कैमरे पर बताना। ये सब जानते हैं कि आमिर खान दूसरों की दरियादिली की तारीफ कम ही करते हैं। उन्हें बहुत सारे गिफ्ट मिले हैं मगर उनके बारे में कभी नहीं बताया, केवल सलमान का नाम लेकर उन्होंने लाइमलाइट बटोरनी चाही। इसके पीछे बताया जा रहा है कि आमिर खान एक स्ट्रेटेजी के साथ आगे बढ़ रही है और इसी के तहत उन्होंने सलमान से चैंपियंस मूवी करने को कहा था। सलमान ने चैंपियंस को इसलिए करने से मना कर दिया क्योंकि उसमें बहुत ज्यादा दम नजर नहीं आया। आमिर खान इसके बाद भी सलमान को बैक टू बैक अप्रोच कर रहे हैं और फाइनली स्टेटमेंट देकर सलमान पर प्रेशर बना दिया है। आमिर खान को लगता है कि अब सलमान स्टेप आगे नहीं उठाते हैं तो तीनों खान के एक साथ मूवी नहीं करने का ठीक रहा, सलमान पर वो फोड़ देंगे। दोस्तों, क्या आपको लगता है कि आमिर खान सलमान के साथ हिडन गेम खेल रहे हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय हमें जरूर दें।